हेलो आ रहा है बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं आज हमारा, ठीक है? हमारा जो टॉपिक है आइकॉन एंड सिंबल ऑफ इंडिया, क्लियर है? आइकॉन एंड सिंबल ऑफ इंडिया हम चेक करते हैं और अभी हम चल पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सैनिक स्कूल एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में हम जब देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है? पहला क्वेश्चन नंबर वन हमारा है वो है नेशनल फ्लैग से रिलेटेड। नेशनल फ्लैग से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, इन चीजों को हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है? चलो तो क्वेश्चन है हमारा अभी का, क्वेश्चन है हमारा, चलो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट का आंसर चेक करें फटाक से, सभी बच्चे फर्स्ट का आंसर चेक करेंगे। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? तो फर्स्ट का आंसर है हमारा क्या होगा, फर्स्ट का आंसर ए, ठीक है? पूछ रहा है द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वॉज डिजाइन बाई होम। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो किसके द्वारा डिजाइन किया है, जल्दी से शाबाश, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। चलो 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 जल्दी। हाँ, पिंगली वेंकैया। ओके, पिंगली वेंकैया क्या है, ये कौन है? ये डिजाइन किया गया है हमारे नेशनल फ्लैग को, क्लियर है? नेशनल फ्लैग को जो डिजाइन किया गया है पिंगली वेंकैया ने। द कलर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम में हमें कलर को देखना है, कलर देखना है हमें, ठीक है? कलर को देखना है हमें। तो इसमें टॉप मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर, तो ऊपर का कलर डीप सेफ्रॉन, डार्क ग्रीन और व्हाइट है, नहीं है? डीप सेफ्रन व्हाइट और डार्क ग्रीन है, यस डी हमारा आंसर है, ठीक है? डीप सेफ्रन मिला, डीप सेफ्रन, क्लियर है? डी सेफ्रन मतलब आपका केसरी कलर का, ठीक है? केसरी कलर का, और ये व्हाइट है, बीच में व्हाइट रहता है, और ये आपका डार्क ग्रीन है, क्लियर है? ये रहता है। व्हाट इज एग्जैक्टली बिटवीन सेंटर ऑफ द इंडियन फ्लैग। अशोक चक्र रहता है, अशोक चक्र में कितने स्पोक है, 24 स्पोक्स है, ठीक है? अशोक चक्र जो है नेशनल फ्लैग, ये कहाँ से जो है, कौन से कलर में है? तो नेवी ब्लू कलर में रहता है अशोक चक्र, क्लियर है? द प्रेजेंट डे नेशनल फ्लैग वॉज एडॉप्टेड बाई द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इन विच ईयर। ध्यान देना है, नेशनल फ्लैग को हमारे जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है कौन सी ईयर में एडॉप्ट किया गया है, तो याद रखना है 1947 में, ठीक है? 1947 में इसे क्या किया गया है, अडॉप्ट किया गया है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में 2:3, कुछ बुक में देखा था 3:2 दिया, चूंकि गलत है वो, तो आपका व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ, है ना, वाइड एंड लेंथ जो है चौड़ाई और लंबाई क्या है, तो 2:3 ये आपका फ्लैग का साइज रहता है, स्टैंडर्ड साइज जो है 2:3। आप छोट का बना लेते हो, बड़का बना लेते हो, वो चीजें अलग है, लेकिन 2:3 क्या है, ये आपके साइज है। किस चीजों का साइज है भाई साहब, तो ये किस चीजों का साइज है बेटा, तो ये साइज है आपका किस चीजों का, नेशनल फ्लैग का साइज है, क्लियर है? नेशनल फ्लैग का साइज क्या है, तो 2:3। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंडियन टू अनफ्लर द इंडियन फ्लैग ऑन फॉरेन लैंड 1907 में। तो भिकाजी कामा ने जर्मनी में क्या किया था, फ्लैग होस्टिंग किया था सबसे पहले, जो है जो कोई ऐसे इंडियन है जो नेशनल फ्लैग को फ्लैग होस्टिंग किया था। वेयर डिड मैडम कामा होस्टेड द फर्स्ट ट्राइकलर फ्लैग इन 1900 से, तो बताया था अभी जर्मनी में, क्लियर है? नेशनल एंथम के बारे में बात करें, देखो नेशनल फ्लैग केसरी कलर किस लिए है, व्हाइट कलर किस लिए है, और आपका ग्रीन कलर किस लिए है, इसको याद रखना है। व्हाइट कलर पीस के लिए होता है, ग्रीन कलर एग्रीकल्चर फॉरेस्ट ग्रीनी के लिए, तो केसरी कलर किसके लिए, ठीक है? ये आप देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियंस नेशनल एंथम। जन गण मन हमारा इंडियन का नेशनल एंथम है, किसने कंपोज किया है, तो नेशनल एंथम को रविंद्रनाथ टैगोर ने, और बकिम चंद चंद्रा ने नेशनल सॉन्ग को। जन मन गण जो है फर्स्ट टाइम कहाँ संग किया गया था,
फर्स्ट टाइम इसे गाया कहाँ गया था? तो इसे गाया गया था कलकत्ता 1911 में। क्लियर है? अवर नेशनल एंथम जन गण मना हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच लैंग्वेज? कौन सी लैंग्वेज से हमने अडॉप्ट किया था? तो बांग्ला। द प्लेइंग टाइम फॉर फुल वर्जन ऑफ नेशनल एंथम 52, हाफ इसके जस्ट हाफ हो जाएगा। क्लियर है? नेशनल सॉन्ग देखेंगे, नेशनल सॉन्ग इंडिया का है, कौन सा है? वंदे मातरम। किसने गाया है, कौन सी लैंग्वेज में भाई ये वंदे मातरम कौन सी लैंग्वेज में है? तो ये है संस्कृत में है। कौन सी लैंग्वेज में है? संस्कृत। संस्कृत लैंग्वेज में वंदे मातरम है। नेशनल सॉन्ग कंपोज किया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी। पिंगले में कैया हमारे फ्लैग को रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन, दादा भाई नौरोजी INC जुड़ा हुआ है, ठीक है, नेता आदमी थे। द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम ऑथर्ड बाई बंकिम चंद्र चटर्जी हैज बीन टेकन फ्रॉम विच बुक? कौन सी बुक से लिया गया है वंदे मातरम में? तो ये लिया है आनंद मठ से। आनंद मठ गीतांजलि उसका बुक है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, जिसे फर्स्ट नोबल दिया गया था 1913 में। क्लियर है? समझ आ रहा है? क्वेश्चन बन जाएगा। नेश है नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम के बारे में बात करें तो नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया हैज देश फेसिंग, हमें तीन ही दिखाई देता है लेकिन ये फोर लायंस है इसमें, है ना। हम इसे कहाँ से लिए हैं, नेशनल एम्बलम को कहाँ से लिए हैं? तो अशोक पिलर ऑफ सारनाथ, अशोक का पिलर सारनाथ से हम नेशनल एम्बलम को लिए हैं। नेशनल मोटो क्या है हमारा? तो ये है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते हम कौन सी उपनिषद से लिए हैं? मोटो कहाँ से लिए हैं? ट्रूथ एलॉन ट्रिम। देखो सत्यमेव जयते को कहा गया है ट्रूथ एलॉन ट्रिम्स, तो ये कहाँ से लिया गया? मुंडका उपनिषद से। कहाँ से? मुंडका उपनिषद, पीछे मुंडका उपनिषद। नेशनल कैलेंडर के बारे में देखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है बेटा, हर बार क्वेश्चन पूछा गया है तो ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है हर बार, तो याद रखना यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है नेशनल कैलेंडर से। अब विच ऑफ द फॉलोइंग कैलेंडर इज यूज्ड इन इंडिया एज द नेशनल कैलेंडर आर आल्सो नोन एज इंडियन कैलेंडर? देखो हमारा जो इंडियन कैलेंडर है वो नेशनल कैलेंडर है, तो इसे किस कैलेंडर को हम इंडियन कैलेंडर या फिर नेशनल कैलेंडर के रूप से जाने? जो जनवरी फरवरी है वो वाला नहीं है ना, ये हमारा वाला है, वो क्या है? साका एरा। कौन सा है? साका एरा। द साका कैलेंडर वॉज इन्वेंटेड बाई विच किंग? जो साका एरा कैलेंडर है उसे किस किंग ने इन्वेंटेड किया है? तो इसे किया है कनिष्का ने। किसने ने? कनिष्का अग्रवाल ने। विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द इंडियन नेशनल कैलेंडर? चैत्र। चैत्र पहला मंथ है, लास्ट है फागुन, ठीक है। चले आगे, नेशनल फ्रूट एनिमल ट्री फ्लावर और अदर के बारे में देखते हैं, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया? चलो मैंगो तो सब दिख रहा है आपको, चलो बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, टाइम नहीं। देखो अगर आपको मैंगो देता तो बन जाता, इसमें मैंगूस है, मैग्रू है ना, मार्वेलस है, इसे मैग्नीफेरा इंडिका। मैंगो तो सबको पता है लेकिन मैग्नीफेरा इंडिका किसी को नहीं पता होगा। क्लियर है? साइंटिफिक नेम है मैग्नीफेरा इंडिका, इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द विच फ्लावर फ्रूट? मैंगो का। मैग्नीफेरा इंडिका, इंडिका एक कार है, कार में बैठे हुए और मैंगो खाते हुए मस्त इंडिया को घूम रहे हो, ये याद रखना, ठीक है ना। तो याद रखना इंडिका। वॉज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल एनिमल 1973, एनिमल कौन सा? रॉयल बंगाल टाइगर, सही है, बंगाल टाइगर। 1972 वॉज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? टाइगर है, लॉयन है, एलिफेंट है, टाइगर है। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? 73 में पढ़े थे हम लोग, नेशनल पार्क पढ़ रहे थे। टाइगर प्रोजेक्ट क्या है? टाइगरों को बचाने के लिए, शिकार कर देते थे, टाइगरों को सेव करने के लिए हमने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया। कब किया? 1973 में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड? सबसे ज्यादा टाइगर विश्व में कहाँ है? इंडिया में। विच स्टेट, हाँ
विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स विथ 6 टाइगर रिजर्व? सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व भी है ना, कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा टाइगर है? तो टाइगर आपको देखना है तो कहाँ जाना है बच्चा, मध्य प्रदेश। विच अमंग द फॉलोइंग वाज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल हेरिटेज एनिमल 2010? नेशनल हेरिटेज एलिफेंट को कहा गया है, याद रखना नेशनल हेरिटेज एनिमल किसको कहा गया है, एनिमल को, ठीक है। नेशनल ट्री बनियान ट्री, बनियान ट्री नेशनल ट्री है। नेशनल फ्लावर अच्छा लोटस टेम्पल कौन से रिलीजन के लिए है? फायर है वो, फायर भाई। नेलुम्बो न्यूसीफेरा, नेलुम्बो न्यूसीफेरा आ गया, नेलुम्बो न्यूसीफेरा किसको कहते हैं? तो नेलुम्बो न्यूसीफेरस जो है, नेलुम्बो न्यूसीफेरस जो है लोटस, नेलुम्बो न्यूसीफेरस है ना, नेलुम्बो न्यूसीफेरस लोटस। अरेंज द मंथ बेस्ड ऑफ आवर नेशनल कैलेंडर, साकेरा इनकरेक्ट सीरियल, चलो बताइए। फिर आपका आएगा पहले चैत आएगा, चैत के बाद बैसाख, फिर जेष, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, ऐसा सब आएगा। चैत्र वैसाख ठीक है, चैत बैसाख जेठ आषाढ़, पूर्णिमा कहते हैं हाँ, कार्तिक में जो पूर्णिमा आता है फुल मून रहता है, ठीक है। फ्रॉम विच मॉन्यूमेंट डिड इंडिया एडॉप्ट इन नेशनल एम्बलम? कहां से लिया था? सारनाथ से लिया था, है ना, इसको याद रखना, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ को। नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, सॉन्ग है वंदे मातरम, एंथम है जनगणना, एम्बलम है सारनाथ लायन कैपिटल, नेशनल कैलेंडर है साका। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा? यमुना, यमुना है मेन ट्रिब्यूटरीज, मतलब जब कोई बड़ी नदी में छोटी नदी जाकर मिलती है तो उसे क्या कहते हैं, हाँ उसे कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। रिवर गंगा ड्रेन्स इनटू विच वाटर बॉडी? बे ऑफ बंगाल में जा चले जाते हैं। द रिवर गंगा राइजेस फ्रॉम, रिवर गंगा कहाँ से राइजेस होती है? तो ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर, याद रखना कौन सी ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। विच अमंग द फॉलोइंग इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया? गंगा। नेशनल वेजिटेबल ऑफ इंडिया, नेशनल वेजिटेबल किसे कहेंगे इंडिया का? पपकिन, पम्पकिन जो है नेशनल वेजिटेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल एक्वाटिक एनिमल फाउंड इन गंगा रिवर? ठीक है, गंगेटिक डॉल्फिन, याद रखना गंगेटिक डॉल्फिन, हाँ गंगा डॉल्फिन इसी को कहते हैं, है ना, तो याद रखना। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल बर्ड? पीकॉक है ना, पीकॉक इसका नाम है लेकिन साइंटिफिक नेम है पावना, पावो, हम लोग पा के रखते हैं अपने बर्ड को, पावो क्रिस्टेटस। विच बर्ड वाज डिक्लेयर एज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? बिकॉज ऑफ इट्स रिच रिलीजियस एंड लेजेंडरी इन्वॉल्वमेंट इन इंडियन ट्रेडिशनल। ये ऐसा है कि सार कई धर्मों के लोग इसको मानते हैं, यूज करते हैं इसके कलर्स को, ठीक है। तो ये कौन सा है? तो ये है हमारा क्या, पीकॉक, पीकॉक क्या है, नेशनल बर्ड है हाँ पैंथरा टिग्रिस। चले अब आते हैं डिफेंस में, क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफेंस का, डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है चले, डिफेंस चलो चेक करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा डिफेंस का, ठीक है चलते हैं। Who among the following is the
सुपर कमांडर ऑफ द इंडियन आर्मी, सुपर कमांडर ऑफ द इंडियन आर्मी आर्म फोर्स। ध्यान देना है, पूरे आर्म फोर्स का जो सुपर कमांडर होते हैं, जो हेड होते हैं, वो कौन होता है? तो वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये एग्जाम में पूछा है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आईएमपी है ये, क्लियर है? तीनों सेनाओं का, पूरे जो हमारे आर्म फोर्स है, इन सभी का जो हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। हमारे जो आर्म फोर्स है वो कितने सर्विस में डिवाइडेड है? तीन है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। फिर क्वेश्चन आता है, डेस वॉज द न्यू पोस्ट मेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द थ्री आर्म फोर्स इन 2019। मैं बार बार बोला हूँ कि क्वेश्चन पहले पढ़ लिया करो और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप आंसर दिया करो। पहले क्वेश्चन पढ़ ले, फिर आपका आंसर लगाना है, नहीं तो आप इतने स्टार्ट इतने स्पीड में रहोगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और आप आंसर क्या लगाओगे। इसलिए जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे तो ध्यान से पढ़ते हुए आंसर आपको लगाना है। तो यहाँ पर एक नया सर्विस स्टार्ट किया गया था, पोस्ट क्रिएट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा 2019 में। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अगर बात करें हम, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ना, ये नहीं था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इसको कहा गया। क्या कहा गया है? CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ये क्रिएट किया था 2019 में, क्लियर है? ध्यान रखना है, ठीक है। हु वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ स्टेप डिफेंस स्टाफ किसे फर्स्ट बनाया गया था? तो जनरल विपिन रावत, जनरल विपिन रावत जी को कहा गया था, बनाया गया था कि भाई ये हमारे यहाँ का फर्स्ट चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ है। क्लियर है बच्चा, चले आगे, ठीक है, समझ आ रहा है ना? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इंडिया हैज द डेस लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, कौन सी नंबर का हमारे पास आर्मी है? तो ये हमारा आंसर है फोर्थ नंबर का हमारा क्या है? आर्मी है, ध्यान रखना है, फोर्थ नंबर का यहाँ पर क्या है? आर्मी है, क्लियर है? हमारा वर्ल्ड की अगर बात करें तो फर्स्ट में क्या है? तो फर्स्ट में हमारा क्या है? हाँ, यूएसए, पहले नंबर पर यूएसए का आता है, ठीक है, ध्यान रखना बेटा। उसके बाद हम देखते हैं वाघा बॉर्डर लोकेटेड, ये क्वेश्चन पूछा गया 2019 में है ना, वाघा बॉर्डर की अगर बात करें तो वाघा बॉर्डर कहाँ है? तो वाघा बॉर्डर राजस्थान में, मणिपुर में, गुजरात में या पंजाब में? तो वाघा बॉर्डर आप जाओगे अमृतसर, जब अमृतसर जाओगे तो आप गोल्डन टेम्पल भी घूम लेना, वाघा बॉर्डर भी घूम लेना, ठीक है। वेन वाज बांग्लादेश फॉर्म, बांग्लादेश कब बना, ये पूछा गया 2023 में, तो 1971, क्लियर है, 1971 में बांग्लादेश बना है, पहले पाकिस्तान का पार्ट था ये, क्लियर है, क्या था पहले? पाकिस्तान का पार्ट था। आर्मी के बारे में बात करें, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ आर्मी, इंडियन आर्मी का हेड क्वार्टर कहाँ है? ध्यान देना है, इंडियन आर्मी का हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। हेड ऑफ द इंडियन आर्मी हेड क्वार्टर इज कॉल्ड इंडियन, द हेड ऑफ द इंडियन आर्मी हेड क्वार्टर, जो इंडियन आर्मी हेड क्वार्टर का जो हेड है उसे किस नाम से जाना जाता है? हाँ, तो उसे किस नाम से जाना जाता है, जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो हेड क्वार्टर रहता है उसके हेड को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहेंगे। हु इज द करेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया एज ऑफ मई 2022 के अकॉर्डिंग कौन है? श्री मनोज मुकुंद नरवाले, लेकिन चेंज हो गया है, अभी हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स में अवार्ड में, तब वहां पर करंट अफेयर्स में चलेंगे। मनोज मुकुंद नरवड़े इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया कौन से नंबर के थे? 27 नंबर के, क्लियर है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे इंडियन आर्मी के? तो ये थे JKM करियप्पा, ठीक है ना, जनरल KM करियप्पा। इंडियन आर्मी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कमांडेट ऑल ओवर द कंट्री, कितने कमांडेट में बटा हुआ है? तो 7 कमांडेट में बटा हुआ है। व्हाट इज द मोटो, आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ना। ये
ध्यान रखना, इंडियन आर्मी का जो मोटो है, ये हर बार एग्जाम में पूछा गया है, इंडियन आर्मी का जो मोटो है वो क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ। ठीक है, सर्विस बिफोर सेल्फ। इंडियन आर्मी कब बना? तो 1895 में बना। इंडियन आर्मी कब बना? 1895। फील्ड मार्शल, अ 5-स्टार रैंक इज द हाईएस्ट ऑनरेबल ऑनररी रैंक इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्म फोर्स। जो फील्ड मार्शल है, जो 5-स्टार रैंक होता है, ठीक है, ये कौन से फोर्स का है? इंडियन आर्मी का है फील्ड मार्शल। द फील्ड मार्शल रैंक हैज बीन अवार्डेड टू ओनली टू ऑफिसर। फील्ड मार्शल सिर्फ दो लोगों को अवार्ड हुआ है अभी तक। फील्ड मार्शल सिर्फ दो लोगों को हुआ है, और वो है कौन? ठीक है, सैम मानिकसा को। ठीक है, सैम मानिकसा, के एम करियप्पा और सैम मानिकसा को, दो ऐसे पर्सन है जिसे अभी तक फील्ड क्या मिला है? फील्ड मार्शल रैंक। के एम करियप्पा और सैम मानिकसा। क्लियर है? चले, हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड आर गिवन इन इंडिया फॉर द एक्ट ऑफ ब्रेवरी एंड सेल्फ सेक्रीफाइस इन द प्रेजेंस ऑफ द इनिमी। ठीक है, तो कौन से कितने हैं? टोटल 6 अवार्ड है, 6 अवार्ड है। गैलेंट्री अवार्ड है ना, जो आर्म में दिया, आर्मी में दिया जाता है, डिफेंस में दिया जाता है, 6 अवार्डेड है ये। कितने अवार्ड है बेटा? 6 अवार्ड। विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट गैलेंट्री और मिलिट्री अवार्ड इन इंडिया? पिछले साल का क्वेश्चन है ये, पिछले साल का क्वेश्चन है ये, तो परमवीर चक्र पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है। परमवीर चक्र, हु वाज द फर्स्ट रिसिप्ट ऑफ परमवीर चक्र, पिछले साल का क्वेश्चन है। परमवीर चक्र पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया है, किसे मिला है? मेजर सोमनाथ शर्मा जी को परमवीर चक्र मिला है। क्लियर है? इन विच ईयर वाज द परमवीर चक्र इंट्रोड्यूस? पहला किसको मिला? सोमनाथ को। तो सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो 1950 में। क्लियर है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड? कौन सा पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड नहीं है? पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड कौन सा नहीं है? तो महावीर चक्र नहीं है, याद रखना। बाकी सब ये गैलेंट्री, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और अशोक चक्र, जो महावीर है, ये नॉट अ पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। क्लियर है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड? कौन सा वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड नहीं है? तो अशोक चक्र। ठीक है, अशोक चक्र नहीं है गैलेंट्री अवार्ड, वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड नहीं दिया जाए। बाकी महावीर चक्र, परमवीर चक्र, वीर चक्र तीनों को देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन को। विच ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर आर्म्ड एंड वेपन्स फॉर द इंडियन आर्मी? डीआरडीओ। डीआरडीओ ने क्या किया है, ये क्या करता है? ठीक है, क्या पूछा है क्वेश्चन? पूछा क्या है? विच ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर्स आर्म एंड वेपन्स फॉर इंडियन आर्मी? ओके, इंडियन आर्मी के लिए बोल रहा है, तो ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलओसी? फुल फॉर्म ऑफ एलओसी का फुल फॉर्म क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल, ध्यान रखना, पूरे ऑप्शन पढ़ के बनाना है। लाइन ऑफ कंट्रोल। द रेड क्लिप, रेड कलर के क्लिप लगाते हैं, कौन लगाते हैं? पाकिस्तान वाले। ये हमारा बॉर्डर लाइन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच का। क्लियर है? नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द इंडो चाइना? इंडो चाइना बॉर्डर लाइन क्या है? इंडो चाइना के लिए मैकमोहन, मैकमोहन किसकी भांची? मोहन की भांची। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल इज अ ज्वाइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड ब्रह्मोस। ब्रह्मोस रसिया और इंडिया का है। इंडिया हैज फॉट हाउ मेनी वार विद पाकिस्तान? पाकिस्तान से कितने बार लड़े हैं हम लोग? पाकिस्तान से हम लोग कितने बार लड़े हैं? तो हमने 4 बार लड़ाई किए हैं। किससे? पाकिस्तान से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इंडिया वॉज नॉट इन टू अ वार विद पाकिस्तान? इनमें से कौन सी ईयर है जिसमें हम पाकिस्तान से नहीं लड़े हैं? 50 में नहीं लड़े, इसमें लड़े हैं, इसमें भी लड़े हैं, इसमें भी। इसमें क्या हुआ था बताओ? बांग्लादेश बना था ये आज़ादी के समय, ये जब 62 में, 1962 में चाइना हम पर अटैक किया, उसके बाद लड़त ए
हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंडो पाक वार 65 65 के समय, वार के समय लाल बहादुर शास्त्री जी थे। समझ में आया? और एक और हुआ है, जो चार बोले ना, तीन दिखा रहा है ना, एक दो तीन, चौथा था कारगिल, कारगिल वार 1999 में। अब लड़े सौसरे फिर बताते हैं उसको कैसे रही। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर साइंड द ताशकंद एग्रीमेंट, कहाँ हुआ? पहला क्वेश्चन, ताशकंद एग्रीमेंट कौन सी ईयर में हुआ? दूसरा क्वेश्चन, ताशकंद एग्रीमेंट किसके किसके बीच हुआ? तीसरा क्वेश्चन। तो ताशकंद एग्रीमेंट हुआ है इंडिया पाकिस्तान के बीच। कब हुआ है? 1965 में हुआ है। किसके किसके बीच हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच। क्लियर है? लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान। आ गया कारगिल वार के बारे में जिक्र किए थे। कारगिल वार कब लड़ा गया? तो 1999, ठीक है, कारगिल वार। इंडिया फॉट अगेंस्ट पाकिस्तान इन 1971 फॉर द लिबरेशन ऑफ, एक क्वेश्चन पूछा था पिछले साल बांग्लादेश में। बांग्लादेश वाज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम टू फ्रॉम, कब से कब तक पाकिस्तान का बांग्लादेश पार्ट था? पार्ट था तो 47 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट था, क्योंकि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान ही था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द इंडियन ऑपरेशन टू क्लियर द कारगिल सेक्टर? ऑपरेशन का नाम बताइए। ऑपरेशन विजय, इसीलिए कारगिल वार को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके दिवस में? विजय दिवस के रूप। कारगिल को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर, कौन थे इंडियन डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? तो ये जो थे वो है जगजीवन राम जी। जग को जीवन कर दिया, जग को जीवन कर दिया, बांग्लादेश को जीवन कर दिया। क्लियर है? द नेशनल डिफेंस एकेडमी, सॉरी द डिफेंस एकेडमी टू ट्रेन द कैडेट्स फॉर द थ्री सर्विस, आर्मी नेवी एयरफोर्स, पुणे में है ना। एनडीए, जब आप एनडीए करोगे ना तो वहीं जाओगे, वहीं पढ़ने, ठीक है? तो एनडीए है। द इंडियन मिलिट्री एकेडमी, मिलिट्री एकेडमी IMA सिचुएटेड द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? तो IMA कहाँ है? IMA है आपका उत्तराखंड में। When is the Army Day celebrated? ये तो सबको पता होना चाहिए, 15 जनवरी, 15 जनवरी को हम आर्मी डे मनाते हैं। What is the full form of NCC? नेशनल कैंडिडेट ग्रुप्स, नेशनल कैडेट ग्रुप्स, नेक्सा कैडेट ग्रुप, नॉन, तो नेशनल कैडेट क्या कहलाएगा? नेशनल कैडेट क्रॉप्स, याद रखना। एनसीसी का फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कॉर्प्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोटो ऑफ एनसीसी? एनसीसी का मोटो क्या है? यूनिटी और डिसिप्लिन, ठीक है। एनसीसी का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? बलदेव, बल रहता है, पहला डिफेंस मिनिस्टर के पास बल था, इसलिए इनका नाम है बलदेव सिंह। नेक्स्ट आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग रैंक इज हेल्ड बाय द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को किस रैंक के नाम से जाना जाता है? तो जनरल के लिए, जनरल के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? चले, हु अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट सर्विस? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, सबसे बड़ा सर्विस है ना, लॉन्गेस्ट सर्विस किसने किया है, सबसे बड़ा लंबा सर्विस किसने लिया है, है ना? चलो बताइए, कुदनडेरा सुब्बिया थिम्मिया, सबसे लंबा समय तक था ये, ठीक है। हु वॉज द चीफ ऑफ आर्मी ड्यूरिंग द इंडो पाक वार? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। कौन थे भाई जिस समय इंडो पाक वार हो रहा था, उस समय कौन थे आर्मी चीफ? हाँ, तो मानेकशॉ, सैम बहादुर बना है ना, सैम बहादुर इसी के पर बना है मूवी, सैम बहादुर, ठीक है, रौनक निषाद क्या नाम है, सैम बहादुर इसी पर बना है रे, ठीक है।
अब हम इंडियन नेवी पढ़ते हैं। व्हाट वॉज द फॉर्मल नेम गिवन टू इंडियन नेवी? पहले इंडियन नेवी का नाम क्या था? द रॉयल इंडियन नेवी पढ़े थे, द रॉयल इंडियन नेवी। करेंट चीफ ऑफ द नवल स्टाफ हु वर्क ओवर फ्रॉम करमबीर सिंह इन नवंबर 21 कौन है भाई? तो ये आएगा एडमिरल आर हरि कुमार। हाउ मेनी ऑपरेशन कमांडेड, कितना इंडियन आर्मी का, ए इंडियन नेवी ना, इंडियन आर्मी नहीं, इंडियन नेवी का कितना है? तो ये है 3 है, ठीक है। और इंडियन आर्मी का कितना था? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेशन कमांडेड द इंडियन नेवी, ठीक है। नॉर्थ में नहीं है भैया, नॉर्थ में नहीं है, पानी ही नहीं है तो कहाँ से नेवी मिलेंगे? पानी जहाँ है वहाँ नेवी मिलेंगे, समझे बच्चा? अब ऊपर में हिमालय है, तीनों साइड पानी, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन, अब ऊपर में पानी ही नहीं है, कहाँ से होगा? नहीं होगा, है ना। विच अमंग द फॉलोइंग इज द रैंक ऑफ इंडियन नेवी, हाईएस्ट रैंक कौन सा है? एडमिरल, क्लियर है। व्हाट इज द रैंक ऑफ द ऑफिसर हेडिंग इच ऑपरेशन कमांडेड ऑफ द इंडियन नेवी? ठीक है, जितने भी ऑपरेशन होता है उसको लीडिंग हेड, उसका हेड कौन होता है? तो वाइस एडमिरल लीडिंग करते हैं, उसको हेडिंग करते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट है, ऑन विच डे इज द इंडियन नेवी डे, कौन सी दिन हम इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं? तो 4 दिसंबर हम क्या करते हैं? इंडियन नेवी डे। आर्मी डे कब मनाते हैं? 15 जनवरी इस दिन, और इस दिन मनाते हैं एयरफोर्स डे। द नेवी डे इज सेलिब्रेटेड टू रिप्रेजेंट कौन सी ऑपरेशन के समय, है ना? तो ऑपरेशन ट्राइडेंट, ट्राइडेंट के जिस समय जीते थे, इंडो पाक वार चल रहा था 1971 में, ऑपरेशन ट्राइडेंट जिस समय, ठीक है, नेवी इसी समय सेलिब्रेट किया था नेवी डे। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द हेड क्वार्टर ऑफ नवल कमांडेड नॉट लोकेटेड, ठीक है, कहाँ पर लोकेटेड नहीं है बोल रहा है, नवल कमांडेड का लोकेटेड हेडक्वार्टर नहीं, बाकी जगह है, 3 है ना, तो 3 कहाँ कहाँ, इधर विशाखापट्टनम, इधर मुंबई और इधर कोच्चि, गोवा में नहीं है, ठीक है ना, गोवा में नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस डेवलप न्यूक्लियर पावर सबमरीन, जो इंडिया द्वारा बनाया गया है? अरिहंत का बुक पढ़ते हो तो अरिहंत ही है आपका आंसर, INS अरिहंत। इंडिजिनियस मतलब सिर्फ और सिर्फ किसने बनवाया, इंडिया के द्वारा ही बनाएगा। INS का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेवी शिप, INS का फुल फॉर्म है इंडियन नेवी शिप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट रैंक ऑफ द इंडियन नेवी? एडमिरल, एडमिरल इसका हाई, एडमिरल ऑफ द फ्लीट, अगर ये ऑप्शन में है तो एडमिरल ऑफ द फ्लीट है, अगर ऑप्शन में एडमिरल ऑफ द फ्लीट है तो एडमिरल ऑफ द, हाँ, जो बॉस रहेंगे, हाईएस्ट रैंक रहेगा इंडियन नेवी का, वो एडमिरल ऑफ द फ्लीट, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोटो, मोटो याद कर लो भैया, मोटो पूछते हैं मोटो एग्जाम में, सर्विस बिफोर सेल्फ आर्मी का है, किसका है? आर्मी का, इसका है साम नो वरुणा, ठीक है, साम नो वरुणा, साम नो वरुणा। द इंडियन नेवल एकेडमी, द ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ऑफ इंडियन नेवी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में है? तो ये है केरला में है, ठीक है, नेवल एकेडमी ऑफिसर ट्रेनिंग है वो केरला में है, कोच्चि। मोटो ऑफ इंडियन नेवी साम नो वरुणा। एयरफोर्स चले, चलो इसका बताइए, टच द स्काई विद ग्लोरी, ठीक है ना, स्काई शब्द जुड़ गया, टच द स्काई विद ग्लोरी। सर्विस बिफोर सेल्फ किसका है? आर्मी का। साम नो वरुणा किसका है? नेवी का। एयरफोर्स का टच द स्काई विथ ग्लोरी। द चीफ ऑफ द एयर स्टाफ इज एन ऑफिसर, तो
तो वो कहलाता है एयर चीफ मार्शल कहलाते हैं, हेड होता है एयर चीफ मार्शल पूरी आर्मी स्टाफ का, एयर एयर स्टाफ का। एयर फोर्स कब बना भाई साहब? तो ये बना है 1932 में 1932 में बना है, ठीक है। और आर्मी कब बना है? 1890 क्या पढ़े थे? 1895 को। इंडियन एयर फोर्स जो था पहले किस नाम से जाना जाता था, फिर बाद में चेंज कर दिया गया, बाद में चेंज कर दिया गया इसे रॉयल इंडियन एयर फोर्स। और नेवी का था रॉयल इंडियन नेवी, इसका क्या था? रॉयल इंडियन एयर फोर्स। ए ससरे हटा दिया रॉयल को सबसे, तो इंडियन एयर फोर्स रख दिया गया। द इंडियन एयर फोर्स इज रॉयल ब्रिटिश का नाम था मान लो। द इंडियन एयर फोर्स इज द डेस्ट लार्जेस्ट एयर फोर्स ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ बोथ पर्सनल एंड एयरक्राफ्ट। तो यहाँ पर ध्यान देना है कितने नंबर, फोर्थ, फोर्थ नंबर में हम है, ठीक है, ध्यान रखना है कौन सी नंबर पे, फोर्थ नंबर पे। हु अमंग द फॉलोइंग इज द न्यू चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स रिटायरमेंट? आर के भंडूरिया, आर के भंडूरिया के बाद कौन है? विवेक राम चौधरी। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन एयर चीफ टू कमांडेड द इंडियन एयर फोर्स? कौन थे भाई फर्स्ट, कौन थे? सुब्रतो मुखर्जी, याद रखना कौन थे? सुब्रतो मुखर्जी। फादर ऑफ इंडियन एयर फोर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फादर ऑफ इंडियन एयर फोर्स के फादर कौन थे? सुब्रतो मुखर्जी। सुब्रतो कप होता है फुटबॉल के लिए। डेस वाज द ओनली ऑफिसर टू बी प्रमोटेड टू द फाइव स्टार रैंक, फाइव स्टार रैंक मार्शल ऑफ द इंडियन एयर फोर्स, फाइव स्टार रैंक। तो ये है अर्जन सिंह, आईएमपी क्वेश्चन है। फाइव स्टार रैंक उधर भी मिला था, फाइव स्टार रैंक इसको के एम करियप्पा और मानेकशॉ को, इधर फाइव स्टार रैंक मिला है एयरफोर्स में अर्जन सिंह को। क्लियर है? कौन सी डे सेलिब्रेट करते हैं, कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर को नेवी है, 8 अक्टूबर को क्या है हमारा आर्मी है, एयरफोर्स है, सॉरी एयरफोर्स, 15 को आर्मी है। वेयर इज द इंडियन एयरफोर्स अकेडमी लोकेटेड? नवल अकेडमी केरला में है ना। इंडिया का नेशनल डिफेंस अकेडमी कहाँ है? पुणे में है। और ये कहाँ है भाई? तो ये है आपका हैदराबाद तेलंगाना में। वेयर इज द इंडियन एयरफोर्स अकेडमी? हैदराबाद तेलंगाना। हु इज द फर्स्ट एंड द ओनली, फर्स्ट ना और ओनली परमवीर चक्र रिसिप्ट एयरफोर्स के, ठीक है, तो कौन है? निर्मल जीत सिंह सेखौन। फर्स्ट ना और ओनली परमवीर चक्र जो कहां से है? एयरफोर्स से। क्या नाम है? निर्मल जीत सिंह। हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन एयरफोर्स इज? न्यू दिल्ली है एयरफोर्स का, न्यू दिल्ली। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनियस जेट फाइटर प्लेन? पूछा गया क्वेश्चन है, तेजस का नाम है, लड़ाकू विमान है। हु इज द फर्स्ट वुमन एयर मार्शल ऑफ इंडियन आर्मी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पद्मावती बंदोपाध्याय, पद्मावती बंदोपाध्याय, फर्स्ट विमन एयर मार्शल पद्मावती बंदोपाध्याय कौन है? तो ये है आपका फर्स्ट एयर, कौन है, ठीक है, क्लियर, क्लियर है, चले आगे, ठीक। हु इज द फर्स्ट वुमन फाइटर पायलट इन इंडियन एयरफोर्स? ठीक है, ये फाइटर कौन थे? अवनी चतुर्वेदी, अवनी चतुर्वेदी है ना। हु इज द फर्स्ट वुमन फाइटर पायलट, इसलिए वो भी लड़ते रहती है इंडियन एयरफोर्स में, है ना। व्हाट वाज द नेम ऑफ आईएएफ ऑपरेशन इन कारगिल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1990? देखो कारगिल के समय उन्होंने ऑपरेशन डुरंट चलाया था 71 के समय,
और ये कारगिल के समय चलाया था, इसका क्या नाम है? तो ये है ऑपरेशन सफेद सागर, ठीक है, सफेद सागर। व्हाट वॉज द नेम ऑफ द स्पेशल फोर्स ऑफ IAF? IAF का स्पेशल फोर्स का क्या नाम है? गरुड़ कमांडो फोर्स। बहुत खतरनाक लोग होते हैं ये गरुड़ कमांडो, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्बैट एयरक्राफ्ट? तेजस साहू, ठीक है। तो तेजस जी ये आपका है, क्लियर है, तेजस ये आपका है कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। हु इज द लोवेस्ट रैंक एयरफोर्स ऑफिसर अमंग दिस? लोवेस्ट रैंक क्या है? तो ये है फ्लाइंग ऑफिसर। क्या है ये? फ्लाइंग ऑफिसर सबसे लोवेस्ट रैंक है। मैच द फॉलोइंग, आप मैच कर सकते हैं इसको। NDA बताया था, NDA कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। नवल बताया था केरला में, कहाँ है भाई? केरला, ठीक है ना, एजीमला। एयरफोर्स एकेडमी अभी जस्ट पढ़े थे, तेलंगाना हैदराबाद। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी है देहरादून उत्तराखंड में, क्लियर है। तो ये है, ठीक है। तुम्हारा नाम कौन है भाई? ठीक, चलो चले आगे। यहाँ पर इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे, इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आता है इनमें से हर साल। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, जितना अभी हम पढ़ रहे हैं ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, क्लियर है। तो आप एक बार अगर पढ़ लेंगे तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, क्लियर है। चले, चलो ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कल एग्जाम है सभी का, दस बजे। सभी बच्चे अपने एडमिट कार्ड में फोटो सिग्नेचर, पेरेंट्स का सिग्नेचर, वही फोटो लगेगा जो आपने फॉर्म भरने के समय दिया था। ठीक है, चलो। उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन में तुम्हारा खुद का नाम रहेगा, ठीक। पेन के लिए ट्रांसपेरेंट पेन रखना है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, वो है इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। चले, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। चलो, नेशनल और इंटरनेशनल, जिसको इमरजेंसी वही बच जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन को, ठीक है। ठीक है, तो ध्यान देना है आपका, ठीक। चलो, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएनओ, यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूएन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। कहाँ है? न्यूयॉर्क। कितने ऑफिशियल लैंग्वेज है? तो कितने ऑफिशियल लैंग्वेज है? सिक्स है। कितने ऑफिशियल लैंग्वेज? सिक्स ऑफिशियल लैंग्वेज यूएनओ का। व्हाट इज द टर्म द प्रेसिडेंट यूएन जनरल असेंबली? कितने सालों के लिए होते हैं? तो ये होते हैं एक साल के लिए। जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट होते हैं उसका कितने साल के लिए टेन्योर होते हैं? एक साल के लिए।
ये क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ द मेंबर यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में कितने टोटल नंबर है, तो ये है 193। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सेक्रेटरी, परमानेंट मेंबर्स के कितने हैं, 5 है। अमेरिका है, ए बी सी लिख लो, ऐसे देखो ए बी सी आर एफ, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रसिया और फ्रांस, ये 5 परमानेंट है। द नॉन परमानेंट मेंबर कितने हैं, ये यूएन सेक्रेटरी काउंसिल के परमानेंट 5 है और नॉन परमानेंट 10 है। टोटल कितने हुए, टोटल हुए 15, टोटल है 15, जिसमें से 5 क्या है, 5 क्या है परमानेंट और 5 क्या है नॉन परमानेंट, नॉन परमानेंट 10 है, टोटल है 15। द यूनाइटेड नेशन वॉज एस्टेब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, कौन सी साल ये बना था, तो 1945 में इसे बनाया गया था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, ठीक है। यूएनओ डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 24 अक्टूबर को, ध्यान रखना यूएनओ डे वी आर सेलिब्रेटिंग इन 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर को क्या बनाया है, यूएनओ डे, क्यों, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को बना था यूएन, क्लियर है यूएन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी है, ये अमेरिका का कैपिटल है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका फुल फॉर्म है यूएन से याद रखना यूनाइटेड नेशन, सीई से याद रखना चिल्ड्रंस फंड, तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ, ठीक है। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। WHO का हेडक्वार्टर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, याद रखना ना, कोरोना के समय बहुत पूछा जाता था। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है कहाँ है, तो ये है पेरिस, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में। यूनेस्को का यूएन का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन, ई का फुल फॉर्म है एजुकेशन, एस का साइंस और सी का कल्चर और ओ का ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, क्लियर है, ई से एजुकेशन, एस से साइंटिफिक और सी से कल्चर। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है और यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर है, चले आगे। उसके बाद देखेंगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नासा, ध्यान देना है इसका हेडक्वार्टर, इसका फुल फॉर्म क्या है, नासा का नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ध्यान देना है नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सा इनमें से यूएन का एजेंसी नहीं है, तो ध्यान देना है इसमें जो आंसर है वो रेड क्रॉस, रेड क्रॉस इसका एजेंसी नहीं है, बाकी सब है, WHO है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF कहते हैं इसको, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, तो ये सब यूएनओ का ही एजेंसी है, बाकी ये रेड क्रॉस नहीं है। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन टुक प्लेस विच प्लेस इन 1945, 1945 में पहला बैठक कहाँ हुआ था, मीटिंग कहाँ हुआ था, तो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, सैन फ्रांसिस्को, ये फर्स्ट मीटिंग हुआ था किसका, यूएन का, क्लियर है।
सार्क, सार का क्या है? तो सार का मछली है, मत बोलना। सार का मछली नहीं है भाई, सार का क्या है? सार का फुल फॉर्म क्या है? तो सार का फुल फॉर्म है एस से साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सार का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशंस फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। क्लियर है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। वेयर इज द परमानेंट हेडक्वार्टर ऑफ सार्क? सार्क का परमानेंट हेडक्वार्टर कहाँ है? ए साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश, ए सॉरी काठमांडू नेपाल में है। काठमांडू नेपाल में, काठमांडू कैपिटल नेपाल का इसका हेडक्वार्टर है, परमानेंट हेडक्वार्टर सार्क का। नेम द इंडियन हु वाज सिलेक्टेड एज द फाइव फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली। तो उन महिला का नाम बताइए, उस महिला का जो यूएन जनरल असेंबली की पहली क्या थी प्रेसिडेंट थी, तो उसका नाम है विजय लक्ष्मी पंडिता, पंडिता विजय लक्ष्मी। ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है। द वर्ल्ड मैन लोकेटेड इन वाशिंगटन डीसी, सही है भाई। इसके कितने मेंबर है? वर्ल्ड बैंक के कितने मेंबर्स हैं? तो ये है 188। द वर्ल्ड बैंक हैज इज हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। नेशनल डिफेंस एकेडमी इज सिचुएटेड 8 एनडीए पुणे है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस, डी से आर से रिसर्च, डी से डेवलपमेंट, आर से ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? दुबई। कहाँ है? दुबई में है हेड क्वार्टर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा है? भारत का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया किसे कहेंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहेंगे। क्लियर है? चले, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज स्टेब्लिश इन विच ईयर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कौन से साल में स्टेब्लिश किया गया? 35 में। इंडियन एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग ब्रिटिश ने आरबीआई स्टेब्लिशमेंट किया गया था, ठीक है, जिसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था। वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? सीबीआई का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्लियर है? तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। मोटो ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई का मोटो क्या है? पूछ सकता है। सीबीआई का मोटो है इंडस्ट्रीज, इम्पार्शियलिटी और इंटीग्रिटी। याद रखिएगा, इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी और इंटीग्रिटी, ये आपका क्या है? मोटो है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया? पहले सुन लो, क्वेश्चन क्या पूछा है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया? तो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एसबीआई? एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। क्लियर है? मुंबई। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलोर, जिसे बेंगलुरु के नाम से भी जाना जाता है। हु इज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? तो इसके पापा का क्या नाम है? तो विक्रम साराभाई नाम है। इंडियन स्पेस प्रोग्राम, जिसको हम बोलते हैं इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर है बेंगलोर, फादर कौन है? विक्रम साराभाई। IMF, IMF का फुल फॉर्म क्या है? अभी मैं बताया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, कहाँ है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहाँ है भाई इसका हेडक्वार्टर, चलो बताओ। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। जितना पैसा वाला बात आएगा, वर्ल्ड बैंक, आईसीसी, आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है?
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंडियन नहीं है, इंटरनेशनल। देयर आर डेज, नंबर ऑफ मेंबर स्टेट इन सार्क, सार्क में कितने मेंबर है, तो है आपका है 8 मेंबर, 8 मेंबर्स, ठीक है। कितने मेंबर्स है, 8 मेंबर्स किसमें, सार्क में। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स प्रिंट्स द करेंसी नोट इन इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ। 1 रुपया के नोट को छोड़कर भारत में जितने भी नोट प्रिंट होता है वो आरबीआई करते हैं। 1 रुपए के नोट को फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी होते हैं उसका साइन रहता है, बाकी में गवर्नर का साइन रहता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सेबी का फुल फॉर्म क्या है, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी इज हेडक्वार्टर, सेबी इज हेडक्वार्टर, सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। नाबार्ड, नाबार्ड इज एसोसिएटेड फॉर, नाबार्ड एसोसिएटेड फॉर कौन सा डेवलपमेंट, तो रूरल डेवलपमेंट, रूरल गांव के डेवलप। इसका फुल फॉर्म आप देख लेंगे, ये देखो, एन से नेशनल, बी से बैंक, ठीक है, ए से एग्रीकल्चर, आर से रूरल और डी से डेवलपमेंट। नेशनल बैंक ऐसा बैंक है जो गांव के एग्रीकल्चर और गांव, है ना। नाबार्ड मतलब है एक ऐसा बैंक है जो गांव में एग्रीकल्चर के लिए, है ना, और गांव के डेवलपमेंट के लिए क्या करता है, फंड प्रोवाइड करता है, डेवलपमेंट करता है। कौन, नाबार्ड। कौन डेवलपमेंट करता है, नाबार्ड। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई। CSIR, CSIR का फुल फॉर्म क्या है, तो CSIR का फुल फॉर्म क्या है, काउंसिल, एस से साइंटिफिक, आई से इंडस्ट्रियल और रिसर्च, तो काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क, क्लियर है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली, है ना। हु इज द फर्स्ट इंडियन, फर्स्ट इंडियन, ठीक है, फर्स्ट इंडियन जो थी वो थे विजया लक्ष्मी पंडे। द स्पेस प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड आफ्टर बाई, क्वेश्चन नंबर 48 देखो। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, ये कह रहा है द स्पेस प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लुक्ड आफ्टर बाई, ठीक है, इसरो के द्वारा, इसरो के बाद गवर्नमेंट देखता है इसको। द लीग ऑफ नेशन फॉर्म टू प्रिवेंट, हाँ, ये लीग ऑफ जो नेशन है वो किसके बाद बनाया गया है, तो अनदर वर्ल्ड वार के बाद, यूनाइटेड नेशन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, लीग ऑफ नेशन फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद बनाया गया है। आइडेंटिफाई द इंडियन न्यूक्लियर फिजिस्ट हु वाज द फाउंडिंग डायरेक्टर एंड प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, है ना। तो ये है आपका आंसर, होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। द यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड इन 45, तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, ये हमारा हो गया था, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक आता है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, ये भी हो गया था, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो आता है बुक्स और अथर, अथर्स में, ठीक है, बुक्स और अथर देखते हैं, बुक किसने कब लिखा, कैसे
कैसा लिखा। जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं जल्दी से जल्दी शेयर कर दो बेटा, लाइक कर दो, तो बन जाएगा। हम भी आगे फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? लास्ट कुछ समय है आपके पास, उस समय को आप यूटिलाइज कर लीजिएगा। क्लियर है? वो समय को आप यूटिलाइज कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। क्लियर है? कुछ क्वेश्चन है हमारे पास जो एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके। क्लियर? चले बुक्स एंड ऑथर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? बुक्स एंड ऑथर। क्लियर? बुक्स और ऑथर के बारे में देखते हैं। चले स्टार्ट करें, ठीक है? रेडी? यस सर। नो? चलो ऑनलाइन वाले बच्चे तैयार हैं, पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है? इसके बाद हम बुक एंड ऑथर्स के बाद अवार्ड और हमारा स्पोर्ट्स एंड गेम्स बचेगा, ठीक है? एक ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया भी बचा हुआ है, तो स्पोर्ट्स और गेम्स अवार्ड दो चीज हम पढ़ेंगे। क्लियर है? दो चीजों को करना है और दोनों से कम दो से तीन क्वेश्चन आपका आएगा एग्जाम में। अवार्ड से तो तीन चार क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, लेकिन एक दो क्वेश्चन तो निश्चित है आएगा ही। स्पोर्ट्स से आपको एक दो क्वेश्चन आएगा ही। क्लियर है? हर साल क्वेश्चन पूछता है और इस साल भी वो क्वेश्चन आएगा। बुक से एक क्वेश्चन पूछता है, वो बुक से हम एक क्वेश्चन निकालेंगे कौन सा बुक से वो आया है। बुक का मतलब है यहाँ पर बुक किसने लिखा है, क्या नाम है, और उस राइटर का लिखने वाले का क्या नाम है, ठीक है? चले चलो चेक करते हैं अब जल्दी से। हमारे पास क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बार बार क्वेश्चन बताया गया है कि ये एग्जाम में आया है, बार बार पूछा गया डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। एक फेमस बुक है हैरी पॉटर, हैरी पॉटर से जेके रोलिंग सबसे ज्यादा बिकने वाली जो बुक है हैरी पॉटर की, है ना, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ये बुक किसने लिखा है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। तो देखो कपिल देव जी हमारे 1983 में जो मैच चल रहा था वर्ल्ड कप जो था, उस वर्ल्ड कप में ये कैप्टन थे और ये ऑलराउंडर है। ये स्ट्रेट बॉलिंग करते थे सीधा और बैटिंग भी करते थे। तो कपिल देव कौन है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट लिखा गया राइटर है बुक का। अनहैप्पी इंडिया, कौन भाई कौन खुश नहीं है हमारे इंडिया से बताओ? तो लाला राजपत राय जी, यही लाला राजपत राय जी है जिन्होंने साइमन गोबेक करके आंदोलन करने गया था और इनका डेथ हो गया। इसी को ही पंजाब केसरी कहते हैं, है ना, शेरे पंजाब भी कहते हैं। इसीलिए ये बेचारा खुश नहीं है। कौन खुश नहीं बेटा? तो लाला राजपत जी खुश नहीं, अनहैप्पी इंडिया कह रहे हैं, बोल रहा है क्यों? तो बोल दिया मुझे लाठी से मार दिया गया। ये इंपॉर्टेंट बुक है, इंडिया विंस फ्रीडम, है ना, इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद, ठीक है? अब्दुल कलाम आजाद ने क्या लिखा है? इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम। यहां पर रामचरितमानस, रामचरितमानस ये रामायण का ही वर्जन है। किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने लिखा है, अवधी लैंग्वेज में लिखा है। एमसी मेरी कॉम ने, बॉक्सर है एमसी मेरी कॉम, इसके ऑटोबायोग्राफी लिखी है। वो कौन सा है? मेरी कॉम, मेरी कॉम ने क्या लिखी है? अनब्रेकेबल। कौन थी ये? बॉक्सर थी। जब बॉक्सर करती है तो ब्रेक नहीं लगती, अनब्रेकेबल बोलती है, ऐसे मारती है धड़ धड़ धड़, ब्रेक ही नहीं। कई गोल्ड मेडल जीती इंडिया के लिए। मेरी कॉम मूवी बना है, प्रियंका चोपड़ा उसमें एक्टिंग की है। आपको और ज्यादा करीब से जानना है तो आप इसको देख लेंगे, अनब्रेकेबल, ब्रेक ही नहीं लगता, क्या बताओगे? गीत गोविंद, गीत गोविंद, लव ऑफ कृष्णा फॉर राधा। गीत गोविंद, गीत गोविंद के राइटर कौन थे? जयदेव। एग्जाम में पूछा जाता है गीत गोविंद, गीत गोविंद के राइटर कौन थे? जयदेव। गीत गोविंद, गोविंद भगवान का गीत गाते हुए जयदेव, जयदेव कह रहे हैं, याद रखना कहीं से भी हो याद हो। भागवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया? भागवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया? चार्ल्स विल्किंसन, चार्ल्स विल्किंस, ठीक है, चार्ल्स विल्किंस, चार्ल्स विल्किंस, चार्ल्स विल्किंस ने क्या किया है?
भागवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। क्लियर है? चाय पीते हुए विंक किया है। याद रखना, महात्मा गांधी जी ने कौन सा बुक लिखा है? देखो, मेरा एक्सपेरिमेंट है, और वो भी सत्य के साथ है, ट्रूथ के। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हमेशा ट्रूथ के फॉलोवर है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी ने, अनहैप्पी है लाला राजराज जी ने। अब इंडिया का डिवाइड करेंगे आगे चलकर, ठीक है? चलो, होम रूल मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट किसने लिखा है? होम रूल मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। लेकिन यहाँ पर बुक लिखा है होम रूल, एम के गांधी ने। होम रूल किसने? एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। होम रूल मूवमेंट बोलेगा तो कौन है? बाल गंगाधर तिलक। होम रूल मूवमेंट बोलेगा तो एनी बिसेंट। और होम रूल मूवमेंट बोलेगा तो क्या क्या होम रूल मूवमेंट बोलेगा तो क्या? एनी बिसेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज रिटन बाण भट्टा? ये बाण भट्टा ने एक बुक लिखा, ठीक है? और ये किसके कोर्ट में थे? राजा हर्षवर्धन, किंग हर्षवर्धन। क्लियर है? इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम है कादम्बरी। ए कादम्बरी, बाण भट्टा ने कादम्बरी, हर्ष चरित्र भी लिखा है। तो बाण भट्टा ने आपका क्या किया है? हर्षवर्धन के कोर्ट में था कादम्बरी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेम द रेस ऑफ माई लाइफ? वो उसका जीवन ही रेस था, वो है मिल्खा सिंह, जीवन ही रेस में था। एस अगेंस्ट ऑड्स, ठीक है? एस अगेंस्ट ऑड्स, तो यह है सानिया मिर्जा। यही सानिया मिर्जा अभी तलाक हो गई बेचारी की शोएब मलिक के साथ। तो एस अगेंस्ट ऑड्स, हु इज द बुक अ सुटेबल बुक? एक है अ सुटेबल बुक, अ सुटेबल, हाँ सॉरी, अ सुटेबल बॉय। अ सुटेबल बॉय किसने लिखा है? तो अ सुटेबल बॉय, चलो जल्दी से बताओ। तो अ सुटेबल बॉय जो लिखा है वो है विक्रम सेठ ने। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक नॉट रिटन बाई सलमान रश्दी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? कौन सी बुक नहीं लिखा है, मतलब बाकी को लिखा है? कौन सा बुक नहीं लिखा है, बाकी को लिखा है? तो इनमें से इसको नहीं लिखा है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो लिखा है मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है? मध्य रात्रि के बच्चे शैतान होते हैं, बोल रहे हैं, ठीक है? द मूर्स लास्ट साइट, द स्टेट सैटनिक वर्सेस। तो याद रखना, मिडनाइट चिल्ड्रन को सलमान रश्दी का, मिडनाइट चिल्ड्रन को याद रखना। जुम्पा लाहिरी है ना भाई? जुम्पा लाहिरी एक अमेरिकन है। ये कौन है? जुम्पा लाहिरी है राइटर है। जुम्पा लाहिरी क्या है? राइटर है। एक जुम्पा है, वो जम्पा है, जम्पा, एडम जम्पा, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है ना? विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट नॉवेल ऑफ जम्पा लाहिरी पब्लिश्ड इन 2003? चलो बताओ। नामे सेक, द नेम सेक, ठीक है? नेम सेक। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, इसमें देखते हैं। इज अ रिटायर्ड इंडिया डिप्लोमेट एंड राइटर हु रोट द फेमस बुक क्यू एंड ए? वाह भाई, बुक का नाम है, विच ऑफ द मूवी स्लम डॉग मिलेनियस वॉज मेड? एक डिप्लोमेटिक थे, और वो क्या कर रहे हैं? डिप्लोमेटिक थे, और उन्होंने एक बुक लिखा है क्यू एंड ए, जिनके नाम, जिसके जिसके बुक पर एक मूवी बना है, स्लम डॉग मिलियनेयर, जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड दिया गया है उसको। वो कौन है जिन्होंने ये लिखा है? विकास स्वरूप, स्वरूप ही बदल गया क्यू और ए बुक लिखने से। मुंशी प्रेमचंद का रियल नेम क्या है? मुंशी प्रेमचंद का रियल नाम धनपत राय श्रीवास्तव। मुंशी प्रेमचंद का रियल नेम है धनपत राव श्रीवास्तव। कौन सी बुक नहीं लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने? गाइड नहीं लिखा है, बाकी गबन, गोदान, मानसरोवर, ये तीनों लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने।
गाइड नहीं लिखा है, गबन गोदान और मानसरोवर लिखा है। गदन गोबान और मानसरोवर, गबन गोदान और मानसरोवर। गोदान है, कर्मभूमि भी लिखा है, गबन भी लिखा है, निर्मला भी लिखा है, ये किसका है? तो मुंशी प्रेमचंद। गोदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, ये बुक का नाम है मुंशी प्रेमचंद का। अकेला, अकेला हूं मैं अकेला, ये चिल्ड्रन स्टोरी बुक है, ठीक है। इज अ फिक्शन कैरेक्टर इन द चिल्ड्रंस स्टोरी बुक डेस रिटन बाय रुडियार्ड किपलिंग। तो ये है द जंगल बुक। हाँ? ठीक है, द जंगल बुक किसने लिखा? ए रुडियार्ड किपलिंग, रुडियार्ड किपलिंग ने लिखा है। ये देखो, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, स्ट्रेट ऑफ माई लाइफ कपिल देव, टेस्ट ऑफ माई लाइफ बताओ। तो टेस्ट ऑफ नाई युवराज सिंह, टेस्ट ऑफ माई लाइफ है युवराज सिंह। अरुंधति राय, अरुंधति राय को क्या मिला है? तो अरुंधति राय को मिला है मैन बुकर प्राइस। इसे किस बुक के लिए मिला है मैन बुकर प्राइस? मैन बुकर प्राइस किस बुक के लिए मिला है? एक गॉड, भगवान को ही स्मॉल थिंग कर दिया गया है, अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच बुक रविन्द्रनाथ टैगोर रिसीव द नोबेल? ये तो सबको पता है, गीतांजलि। गीतांजलि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी है, ये किस लिए प्ले कलेक्ट किया? नॉवेल्स, प्लेस, पोयम या शॉर्ट स्टोरी? तो गीतांजलि है पोयम, ठीक है। गीतांजलि क्या है? पोयम है गीतांजलि। इस पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज दिया गया है, ठीक है। कौन से नेशनल सॉन्ग, हमारे जो नेशनल सॉन्ग है, कौन से नॉवेल से लिया गया है? तो आनंद मठ, ठीक है, आनंद मठ से लिया गया है। वी डी सावरकर, अथर वी डी सावरकर जो जी है, उन्होंने कौन सा बुक लिखा है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्लियर है? इंडिपेंडेंस तो याद रखना, सावरकर, इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। पृथ्वीराज राशो, एक पोयम है जो पृथ्वीराज चौहान के पूरे लाइफ को बताया है। तो पृथ्वीराम जो पृथ्वीराज राशो है, उसे किसने लिखा है? चंदर बरदाई, चंद बरदाई, पृथ्वीराज रासो के कवि चंद बरदाई ने लिखा है। क्या? पृथ्वीराज रासो। याद रखना, चंदर बरदाई। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, पढ़े थे अभी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। द बर्ड ऑफ टाइम एंड द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है, ध्यान रखना है। फेमस राइट रिटन बाय डेस आल्सो नोन एज द नाइटिंगल ऑफ इंडिया। तो नाइटिंगल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन सरोजिनी नायडू को कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इन्होंने बुक लिखा है कौन सा? द बर्ड ऑफ टाइम और द गोल्डन थ्रेशोल्ड। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर? ध्यान रखना, लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर, तो यह है आपका हेमलेट। हेमलेट, हेमलेट क्या है? इसका लॉन्गेस्ट प्ले है ना। विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड्स, वही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और वो मौलाना अबुल कलाम आजाद। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, ये बहुत फेमस है बच्चा। विंग्स ऑफ फायर बुक बहुत फेमस है। क्या है? बहुत फेमस है। क्या है? बहुत फेमस है। इग्नाइटेड माइंड्स, एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर किसका है? एपीजे अब्दुल कलाम का। फाउंडर है आर्य समाज के,
सरस्वती दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने एक बुक लिखा है। उस बुक का क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। ध्यान रखना, इसमें तीन क्वेश्चन है। फाउंडर कौन है आर्य समाज के? स्वामी दयानंद सरस्वती। दूसरा क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या बुक लिखा? सत्यार्थ प्रकाश का। क्लियर है? चलो, विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाई विलियम शेक्सपियर? देखो, विलियम शेक्सपियर का बुक है हेमलेट, जूलियस सीजर, रोमियो एंड जूलियट, द जंगल बुक है रुडियार्ड कुपलिंग का, रुडियार्ड कुपलिंग, ठीक है। इसमें से कौन सा बुक है जो एपीजे अब्दुल कलाम ने नहीं लिखा? तो हमने देखा था, ठीक है, तो द गाइड को नहीं लिखा है, बाकी सबको लिखा है। टारगेट 3 बिलियन, टर्निंग पॉइंट्स, ठीक है, इंडोमिटेबल स्पिरिट, ये इसके बुक का नाम है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, ठीक है, किसने लिखा है? परमहंस योगानंदा। यदि योगी से याद रखना है योगानंदा। द मोंक हु सोल्ड हिज फेरारी। तो यहां पर क्वेश्चन है, द मोंक हु सोल्ड हिज फेरारी, रॉबिन शर्मा। क्लियर है? महात्मा गांधी वॉज इंस्पायर्ड बाय द राइटिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर? कौन सी ऑथर है जिससे इंस्पायर हुआ था महात्मा गांधी ने, वो कौन से है? तो वो है लियो टॉलेस्टॉय। लियो टॉलेस्टॉय उसके फिलोसफर गुरु थे। लियो टॉलेस्टॉय के बुक से काफी प्रभावित हुए थे महात्मा गांधी जी। मैच द फॉलोइंग की बात करें, कादंबरी किसका है? कादंबरी बाणभट्ट का है, पढ़े थे ना। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह, अ शॉर्ट हिस्ट्री नहीं पढ़े हैं, एस अगेंस्ट और सानिया मिर्जा, और अ शॉर्ट एट हिस्ट्री है अभिनव बिंद्रा। अ शॉर्ट एट हिस्ट्री, अभिनव बिंद्रा बहुत आपका शूटिंग के थे अभिनव बिंद्रा, अपना अभिनव मंडावी के याद मत करो। वॉज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेल्सन मंडेला जी IMP, नॉन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लंबी यात्रा आजादी का नेल्सन मंडेला ने। देखो, गबन पता है सबको, मुंशी प्रेमचंद का। ट्रेन टू पाकिस्तान नहीं पढ़े हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। अब देखो, तो फर्स्ट का थ्री, मतलब फर्स्ट का थ्री, ये दोनों कट गया। अब हमें निकालना है आगे। अब देखो, इसमें से या तो ये होगा या तो ये होगा, दूसरा देखते हैं। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़े हैं, छोड़ दो। तीसरा ट्रेन टू पाकिस्तान, इसको भी नहीं पढ़े हैं। फोर्थ द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस नहीं पढ़े, लेकिन ट्रेन टू पाकिस्तान है खुशवंत सिंह का है, ये इतना पता है। ट्रेन टू पाकिस्तान किसका है? खुशवंत सिंह का। अब मैच हो रहा है क्या? हाँ, तो आप देख सकते हैं, मीटर्स ऑफ अ डिस्क्रिप्शन आई के गुजराल, मीटर्स ऑफ डिस्क्रिएशन आई के गुजराल, ट्रेन टू पाकिस्तान ऐसा से खुशवंत सिंह पाकिस्तान जा रहे हैं, ट्रेन ढूंढ रहा है, खुशी से ट्रेन ढूंढ रहा है पाकिस्तान जाने के लिए। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये किसका है? अरुंधति राय का। क्लियर है? अब आते हैं ब्लैक ब्यूटी, वाव, एक चिल्ड्रन नॉवेल है ब्लैक ब्यूटा, तुम लोग ब्लैक ब्यूटा हो, वो ब्लैक ब्यूटी है। तो अन्ना सेवेल, अन्ना लोग ब्लैक होते हैं, अन्ना साउथ वाले, साउथ वाले अन्ना क्या है? ब्लैक है, तो ठीक है, ब्लैक ब्यूटा। चलो, हाँ चलो, ध्यान देना है, ओए ब्लैक ब्यूटा। द फर्स्ट पर्सन अवार्डेड नोबेल प्राइज फील्ड ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश लैंग्वेज, ध्यान देना है, ओए फर्स्ट ऐसे पर्सन है जिसे नोबेल प्राइज मिला है और उसके इंग्लिश बुक पर ना फर्स्ट, वह है रुडियार्ड किपलिंग, जंगल बुक है इसका। शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? चलो, शेक्सपियर ऑफ इंडिया कालिदास। कालिदास वाज अ ग्रेट पोएट इन कोर्ट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग किंग, कालिदास जो जी थे वो किसके कोर्ट में थे? चंद्रगुप्त, 9 जूल्स में से एक थे कालिदास। सलमान रश्दी को, सलमान रश्दी को किस लिए बुकर प्राइज मिला है? मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए।
ठीक है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क हैज वासुदेव मोही बीन वासुदेव मोही बीन अवार्डेड इन 29 सरस्वती सम्मान, ठीक है। तो ये है आपका चेकबुक, चेकबुक पर इसे क्या किया गया है, अवार्ड दिया गया है चेकबुक पर, वो क्या है तो याद रखना, वासुदेव मोही बीन, वासुदेव मोही बीन अवार्डेड है 29 सरस्वती सम्मान। अवार्ड देखेंगे इसके बाद, अवार्ड और स्पोर्ट्स, तो ये आपका कौन सी बुक पर, चेक बुक पर, वासुदेव मोही बेन 29 सरस्वती सम्मान। क्लियर है यहाँ तक? ओके चलो, अब हम थोड़ी देर बाद फिर से चालू करेंगे आगे का, तो ऑनलाइन वाले बच्चे लाइव होने का इंतजार करेंगे। ओके बाय बाय। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा ऑनलाइन वाले बच्चे, वो रहेगा अवार्ड। अवार्ड से क्वेश्चन आता है, और अवार्ड और स्पोर्ट्स दो चीजों पर पढ़ेंगे हम। क्लियर है? चलो बाय बाय।